कहना है कि प्रधानमंत्री ने जब से अपना पद संभाला उसके बाद से लगातार उन्होंने सबको एकजुट रखा है। और वाकई में जिस तरीके से आज का दिन उत्साहपूर्वक निकलता हुआ जा रहा है, ये सभी के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है पूरे देशवासियों के लिए कि 2024 में आज के दिन सभी लोग मौजूद हैं इस गौरवान्वित पल को देखने के लिए। और 500 साल पुराना जो एक तरीके से वनवास कह लीजिए काटा है रामलला ने, वो एक बार फिर से आ रहे हैं और साल में दो बार दिवाली की शुरुआत आज से होने जा रही है। लंबा इंतजार, सदियों का इंतजार आज खत्म होने के आखिरी क्षण पर आ चुका है। कुछ समय का और इंतजार जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसका इंतजार सभी एक चाहत के साथ कर रहे हैं। सब जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो मठ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ वो टकटकी लगाए भी बैठेंगे स्क्रीन्स के आगे कि आखिर कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। इसे लेकर उत्साह जो है चरम पर है। कहीं हमने आपको तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई, कहीं पर नाच गाना, कहीं पर भजन, कहीं पर राम पाठ, अलग अलग तरह की तस्वीरें, कहीं पर प्रस्तुतियां। तो ये वो नजारा है जो देखते ही बनता है और ये दिखाता है, दर्शाता है कि कितना ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं, उमंग से भरे हुए हैं राम भक्त और इंतजार कर रहे हैं कि कब विराजमान होंगे रामलला। बिल्कुल, और आज के दिन जिस तरीके से ऋतु स्वच्छता अभियान को भी बढ़ावा दिया गया, पिछले 11 दिनों से हम देख पा रहे हैं लगातार इस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, श्रमदान किया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर, जैसा कि कुछ देर पहले हमने सुना था कि राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है, तो वही मर्यादा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज से आनी चाहिए और ये ठान लेना चाहिए कि वो राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और अपना जीवन यापन इस तरीके से करेंगे कि उनकी वजह से दूसरों को कोई कष्ट ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा पाठ के साथ साथ उनके बताए रास्ते पर चलना है, उस आदर्श को लेकर आगे बढ़ना है ताकि हमारी वजह से कोई दूसरा किसी भी तरीके का कष्ट ना पाए। और ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब एक और तस्वीर आप देखिए जब लगातार हस्तियां मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज तो पहुंच रहे हैं, अब क्रिकेट टीम जिन्हें न्योता दिया गया है वो भी इसी बीच पहुंच रहे हैं, ये गाड़ी में सवार होकर के टीम पहुंच रही है। ये भी इंतजार जो है, इन्हें भी इंतजार नहीं हो रहा होगा क्योंकि सभी इंतजार आज के दिन का कर रहे हैं, आमंत्रण इन्हें दिया गया और अब कुछ घंटों का इंतजार और है, बस इनका पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भी इस खास क्षण के साक्षी बनने के लिए तैयार है, पहुंचेंगे और इस खास कार्यक्रम में उमंग उत्साह के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में एक टीस है कि वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक पल के गवाह नहीं बन पाए हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप ये चीज मन में ना रखें क्योंकि न्यूज 18 आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, हर वो तस्वीर आपके साथ साझा करने की कोशिश की जा रही है जो आप वहां पर रहकर भी शायद ना देख पाए, इसलिए लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़े रहें और देखें पल पल की अपडेट ना सिर्फ अयोध्या से बल्कि पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने से जहां जहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज रामलला के स्वागत की जोरदार तैयारियों के बीच में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी आप सुन रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें एक बार फिर और हमारे साथ सहयोगी अपर्णा भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, वो भी लाइव तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। अपर्णा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत होती हुई नजर आएंगी, आखिर वहां पर नजारा कैसा है, कितना उमंग है, कितना उत्साह है, कौन कौन पहुंच चुका है, कैसी तैयारी है, सब तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं, कितनी सुंदर इस समय अयोध्या दिखाई दे रही है और तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच चुके हैं, अब लगभग
10:30 उनके अंदर प्रवेश करने का कार्यक्रम है और QR कोड के जरिए उन्हें एंट्री मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी हमने आपको दिखाया और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जितना त्रेता युग में वनवास खत्म करके प्रभु राम जब लौटे थे वापस अयोध्या, कुछ वैसे ही अयोध्या इस समय नजर आ रही है। हर तरफ हर्ष और उल्लास दिखाई दे रहा है और हर कोई आनंदित होकर झूम रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार और जब प्रभु राम के दर्शन हर कोई कर पाएगा, जब रामलला की नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उससे पहले की तस्वीरें अयोध्या की हर गली हर चौराहे में किस तरह झूम रहे हैं भक्त, वो हमने हम आपको दिखाया और इतिहास बनते देख रहा है हर कोई। न्यूज 18 नेटवर्क पर ये तस्वीरें अयोध्या से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। अवध में हर तरफ पुष्प वर्षा मानो हो रही है, तमाम VIP गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी को हमने आपको दिखाया, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। लगभग 5 घंटे प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और भव्य अयोध्या और भव्य राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर उसे कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी के ही शब्दों में, देश को राष्ट्र को समर्पित आज हो जाएगा और अब जल्द ही जो राम भक्त हैं रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि होता वही है जो राम ने रचा हुआ है और प्रभु राम ने रचा हुआ था कि किस तरह वो टाट से ठाट से अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और 500 सालों से ज्यादा का ये संघर्ष, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। अयोध्या में अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं जो VIP मेहमानों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत का मौका मिलता ही बातचीत भी कर रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि एक वक्त में ये जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रही थी, लेकिन अब ये सपना साकार हो चुका है और राम दिवाली इस समय देश बना रहा है। और ओरछा से सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, राममय हो रखा है पूरा देश, ना सिर्फ देश बल्कि विश्व में जहां जहां राम भक्त है वहां राम धुन सुनाई दे रही है। ओरछा में क्या हाल है इस समय? बिल्कुल, देखिए ओरछा में भी कहें तो भगवान राम की भक्ति में लीन है पूरा ओरछा, देश के अलग अलग इलाकों से भी लोग यहां पहुंचे हैं और राम धुन यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज भी गा रहे हैं। इसके साथ ही ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी होगा और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे और यहां बैठकर वो रामराजा सरकार की पूजा अर्चना करने के बाद सीधा प्रसारण देखेंगे। उनके आगमन की तैयारियां हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ विधि विधान से पूजन भी किया जाएगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। अयोध्या से ही अनूप, अब थोड़ी ही देर में जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है प्रोग्राम को लेकर? देखिए आपको बता दूं, थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट में वो प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और फिर वहां पर तमाम कार्यक्रम होंगे जहां पर जप किया जाएगा, मंत्रोच्चारण किया जाएगा और उसके बाद वहाँ 1 घंटे तक वो राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। वहाँ पर वहाँ के जो श्रमजीवी हैं, जो राम मंदिर से जुड़े हुए श्रमजीवी हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद 12:05 यानी कि वो शुभ मुहूर्त कहा जा सकता है कि उस शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस इतिहास के दिन या जिस क्षण का इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे वो क्षण अब थोड़ी ही देर के बाद पूरा होने वाला है, वो दिन अब कह सकते हैं कि वो क्षण जो है आने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के पट को खोलेंगे, आँख को खोलेंगे, तो दुनिया गवाह होगी कि किस तरीके से 500 सालों का संघर्ष जो है वो भारतीयों का संघर्ष जो है, वो जो सपने भारतीयों ने देखे थे वो अब पूरा होने जा रहा है। देखिए सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ जो है राम भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ आए हुए, हालांकि आप बोलता हूँ सिक्योरिटी की वजह से हटा दिए गए, लेकिन ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? जय श्री राम, हम मुंबई से आए हैं, माया की मुंबई से हनुमान और राम जी से मिलने आए। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप लोग मुंबई से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं हावड़ा से आए हूँ भैया,
आसपास गड़ादरा से ए 202 सुमन संकल्प से आए, भजन गाना चाहते हैं प्रभु जी के यहाँ पे। आंगन में फूल बिछा देंगे जब राम अयोध्या गए, आंगन में फूल बिछा देंगे जब राम अयोध्या आएंगे, जब राम अयोध्या आएंगे प्रभु राम अयोध्या आएंगे, आंगन में फूल बिछा देंगे जब राम अयोध्या आएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह लोगों का है यहाँ पर, और हमने देखा है कि सुबह 5 बजे से ही जो राम भक्त हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए थे और लगातार उनके उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आपको बता दूं कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा से जो सड़कें हैं उससे लोगों को हटाया जा रहा है, उसके बावजूद इनका उनके उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे इस दिन? जी मैं तो बहुत बहुत उत्सुक हूँ, पूरा त्रेता युग जैसा माहौल बन गया है और ये पूरे श्रेय मोदी जी योगी जी को ही जा रहा है। मोदी जी कुछ भी यहाँ देखने हैं, सबका चेहरा एकदम जैसे खिलखिलाहट हुए और राममय जैसे पूरा चेहरा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जय कहाँ से? हम आए हुए मुंबई से, कर्म क्षेत्र है, मैं मूल निवासी हूँ भदोही के। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस क्षण ये कह सकते हैं कि इसके साक्षी होना चाहते हैं। जी बिल्कुल अनूप, तो यहाँ हर कोई इस पल का साक्षी बन रहा है और आनंदित है इस समय, क्योंकि बस थोड़ा सा इंतजार और है। लगातार हम टाइमर भी इस पर दिखा रहे हैं कि कितना कम वक्त बचा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शुरू होने में। और मशहूर एक्टर चिरंजीवी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अलग अलग जो विशिष्ट मेहमान है वो यहां पहुंच रहे हैं। और अनूप जहां वहां पर मौजूद हैं अयोध्या में ही, लगातार रंग आपको दिखा रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स, किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से, राज्य के अलग अलग हिस्सों से मेहमान पहुंच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कितना हर्षोल्लास में झूम रहे हैं। तो अनूप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप जहां आप हैं वहां तो आप बहुत रंग दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि जो आम भक्त हैं उन्हीं रास्तों में हैं और हम भी जान रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी को लेकर कितना इशू है, बहुत सख्त पहरा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं रास्तों से जूझते हुए पहुंची हूं। तो यहां पर सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद, अयोध्या को पूरे किले में तब्दील कर दिया गया है। देखिए आपको बता दूं कि ये पूरा ये जो रामपथ का रामपथ है, सड़क है जो सीधी सड़क जो है वो राम मंदिर जाती है। देखिए इससे पहले ये जो सड़क है वो हनुमानगढ़ी जाएंगी और उससे ठीक आगे जो है वो राम मंदिर है। हमने सुबह 5 बजे से ही हमने देखा कि यहाँ लोगों का जिस तरह से उत्साह था, लोग यहाँ आने शुरू हो गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपील की थी कि वो आज के दिन कम से कम वो अयोध्या ना आए, क्योंकि देखिए 8,000 विशिष्ट अतिथियों को आज के दिन बुलाया गया, लेकिन फिर लोगों का मन कहाँ मान